हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां कहीं भी होंगे अच्छे से होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूज़फुल जैसा वीडियो लेके आई हूं और काफ़ी इंटरेस्टेड भी है वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं मतलब डेली के जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी कम रहता है और सभी फ्रेंड्स मेरे को कह रहे हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो न्यू। सो इसीलिए मैं आज भी वीडियो डालने का मूड नहीं था, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गई हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ वीडियो डिले के लिए। सो आज की वीडियो में मैं मशीन की जो वॉशिंग मशीन है उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो मेरी ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियोज़ आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो ये देखिए, यहाँ पे प्लास्टिक की जो रस्सी लगी हुई है कितनी पक्की जैसी लगी हुई है, काफ़ी सॉलिड है। ये बैक साइड है मशीन की। तो ये फ्रंट लोड मशीन है, फुली ऑटोमेटिक है, IFB की मशीन है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे ओपन कर दिया हम लोगों ने, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या हाल हो चुका है ट्रांसपोर्ट में मशीन का, क्योंकि हैवी बहुत ज़्यादा है ना ये, तो इसीलिए। ये देखिए, जो थर्माकोल है उसके पीसेस हो चुके हैं और मुझे तो यही डर लग रहा है कि कहीं हमारी जो मशीन है वो डैमेज ना हो गई हो। सो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। थर्माकोल के तो पीसेस छोटे छोटे हो गए हैं, बिल्कुल ही टूट के, इसके अपने वेट से ही टूटे होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में पता है हैवी चीज़ तो आपको पता ही है, थोड़ा सा खतरा ही रहता है। ये है तो ये निकाल दिया हम लोगों ने, अब देख लेते हैं हम लोग मशीन को। बट थैंक गॉड मशीन को कुछ नहीं हुआ है, मशीन बिल्कुल ही सेफ है, आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। ये मशीन है IFB की मशीन है और फ्रंट लोड मशीन है, फुली ऑटोमेटिक है, 8.5 kg की मशीन है ये। तो ये है फ्रंट से इसका कुछ इस टाइप से पैकिंग की हुई। इसको हम लोग जो है पन्नी को हटा देंगे सबसे पहले, ये इस टाइप से। एक्चुअली मैं थोड़ा सा केयरफुली मैं तब हटा रही हूँ क्योंकि कवर नहीं है अभी मेरे पास, तो डस्ट वगैरह पड़ने का काफ़ी सार रहेंगे ना, इसीलिए मैं थोड़ा केयरफुली हटा रही हूँ। ऊपर से नहीं मैं हटा रही हूँ इसको, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। और ये इसके ऊपर से एक और पन्नी है लिपटी हुई, तो फ्रंट से ये कुछ ऐसी दिखती है फ्रेंड्स। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये मशीन और किस किस की फेवरेट है IFV मशीन, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़। और 5 स्टार मिले हैं इसको, मशीन को देख सकते हो आप लोग। इस मशीन ने जो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवाया हम लोग जो थे, लास्ट वन ईयर से हम लोग जो थे देख रहे थे कि कौन सी मशीन जो है लेनी चाहिए और कौन सी अच्छी रहेगी। ये देख सकते हो इसकी ये वारंटी है 4 ईयर की और 10 ईयर की है, और 1400 RPM के साथ है ये, 8.5 kg की मशीन है, एग्जीक्यूटिव प्लस है इसका जो मॉडल है। और जो इसके फंक्शन दिए हुए हैं तो वो भी इस टाइप से दिए हुए हैं, यहाँ से आप लोग जो है सेट कर सकते हो। एक्सप्रेस वॉश है, डेलिकेट्स कलर्स वगैरह, बल्की वगैरह, मतलब अलग अलग से फंक्शन दिए हुए हैं, जैसा आपका कपड़ा होगा ना वैसा, मतलब कि आप लोग जो है इसके फंक्शन सेट करके उसको वॉश कर सकते हो। इसमें कलरफुल कपड़े भी वॉश किए जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अलग से फंक्शन है इसका दिया हुआ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ओपन करते हैं इसको, ये ओपन कर ली। और इसका जो पाइप है वो ये है, आई थिंक छोटा ही पड़ेगा, हमें और लेना पड़ेगा, बट चलो देखते हैं अभी क्या होता है।
और इसकी जो ये प्लेट्स जैसी हैं वो नीचे लगेंगी इसके बेस पे। तो बेस से हम लोगों ने जो है थर्माकोल नहीं हटाया है अभी, क्योंकि ये प्लेट्स वगैरह जो इंस्टॉल करेंगे ना मशीन को वही लगाएंगे, सो इसीलिए नहीं हटाया। नीचे से जो है स्पेस खाली है, ओपन है मतलब, तो डस्ट वगैरह जाने के ज़्यादा खतरा है, इसीलिए नहीं हटाया हम लोगों ने। अंदर से कुछ इस टाइप की दिखती है। और ये जो है ये इसका कांच का है, आउटसाइड का डोर जो है इसका सॉलिड है, कांच टूटने वाला नहीं है। और इसका जो ये टब है आप लोग देख सकते हो स्टील का है, और इसकी जो कैपेसिटी है 8.5 किलो की है। ये इस टाइप से दिखता है कुछ अंदर से, इसका जो टब है स्टील का है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मुझे जरूर बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बनता ही है, प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। ये इसका लॉक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जब लॉक इसको करते हैं ना तो लॉक हो जाता है अपने आप ही और साउंड करता है। और यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड यूज करने के लिए है। ये जो लेफ्ट वाला है वो लिक्विड के लिए है, और राइट वाला जो बॉक्स है वो जो है डिटर्जेंट पाउडर, इसमें यूज़ कर सकते हो आप लोग, बट पाउडर भी नॉर्मल नहीं यूज़ कर सकते इसमें फ्रेंड्स, कम झाग वाला पाउडर चाहिए इसके लिए। तो ये है लुक वाइज हमारी IFB की मशीन, 8.5 किलो की फुली ऑटोमेटिक मशीन है ये, और फ्रंट लोड है, टॉप लोड नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा अगर अच्छी लगी हो वीडियो, अगर अच्छी नहीं लगी होगी तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टाइप का चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।